राजयोग में क्या ऐसी पावर है जो मुझे घर दिला दे यहाँ पे? तो हमने कहा राजयोग तो राजाओं का राजा है, जो चाहे कर सकते हो, मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। बोला बहुत सारे कस्टमर है उसके, लेकिन चाहिए मुझे। हमने उनको जो भाई जी सिखाते हैं कहा कि 2 मास योग कीजिए, स्वमान का अभ्यास बताया और सब कॉन्शियस माइंड का अभ्यास बताया कि आप फील कीजिए घर मिल गया है, आपके हाथ में रजिस्ट्री, आप ग्रह प्रवेश कर रहे हो, अभी से विजन देखिए, इंजॉय कीजिए उस घर को। और मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली 2 मंथ उसने योग किया 45 मिनट्स, और जिस दिन शुरू किया भोग लगाकर, बाबा को मीठा खिलाकर, शुभ संकल्प देकर शुरू किया। रोज डेली वो योग करता है 45 मिनट्स घर के लिए, स्वमान का अभ्यास, सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग। 2 महीने के बाद उसके पास फोन आया कि जो फ्लैट तुम लेना चाहते हो तो किसी और ने ले लिया। बेचारे का दिल टूट गया, आंख से आंसू निकल गए, बाबा की तरफ देखा भी नहीं, दिल शिकस्त हो गया, दुख इतना हुआ कि वो गुस्से के रूप में बाहर आया और तो कहीं बस नहीं चली, समाधान में फोन मिलाया और फोन हमने ही उठाया। अब उसका हाई टेम्पर था, दुख था, गुस्सा था, बोला जी देख लिए सब, कोई बाबा बाबा नहीं, कोई दम नहीं है बाबा बाबाओं में, सब देख लिए मैंने, मैं नहीं जाऊंगा आज के बाद ब्रह्मा कुमारी आश्रम। टूट गया था बिल्कुल गुस्से में। हमने बहुत पूछा कौन बोल रहे, कहां से बोल रहे, क्या बात हो गई, भैया बताइए तो फोन कट। थोड़ी देर तो हमारे भी संकल्प चले, क्या हो गया भाई, चलो बात भूल गई। बरसाती सीजन था, ऑलमोस्ट ऑल इंडिया में ज्यादा से ज्यादा स्टेट में बाढ़ आई हुई थी, बहुत पानी गिर रहा था, शांतिवन में भी आ गई थी, टूट गया था नाला वगैरह। हम लोग जब बरसात होती है तो मेहमान कम होते हैं तो न्यूज़ वगैरह देख लेते हैं सुबह के टाइम, क्या हो रहा है दुनिया में, तो न्यूज़ देख रहे थे। 8 से 9 के बीच का टाइम था, 9:45 का टाइम था, हर चैनल पे एक न्यूज़ हाईलाइट हो रहा था उस दिन, बॉम्बे में हैवी रेन के कारण एक बिल्डिंग गिर गई, 30 लोग तो दबके मर गए, बाकी मलबे में दबे हुए हैं, बड़ी ऊंची बिल्डिंग थी और जो बिल्डिंग से बाहर थे वो बिल्कुल बेघर, ना जन ना धन ना घर, कुछ नहीं आज उनके पास, वो सड़क पर हैं, रोड पर, सब खत्म हो गया। बड़े उससे देख रहे थे, अरे ऐसा कैसा हो गया, इतना ऊंचा बिल्डिंग कैसे गिर गया। फिर फोन की घंटी बजी, देखिए, और लकीली तीसरी बार भी फोन हमने ही उठाया। हम एक तरफ न्यूज देख रहे थे और दूसरी तरफ हेलो भैया कौन बोल रहे हैं, कहता अब देखिए उसका साउंड क्या था, वाह बाबा वाह, बचा लिया तूने तो हमें। बिल्कुल प्रैक्टिकल रियल घटना में आपको सुना रही हूं। तो हमको समझा नहीं कि ये कौन बोल रहा है, हमने बोला भैया आप कौन बोल रहे, कहते बेन जी घर वाला भाई। मैंने घर वाला भाई बोला, अरे वो जिसने घर के बारे में पूछा था अभी कुछ दिन पहले, उल्टा सीधा बोल दिया था ना बहन जी। अच्छा याद आया, अब हमारे मन चित में भी नहीं कि आगे ये क्या बात करने वाला है। हमने कहा क्या हुआ भैया, कहता बहन जी लाख लाख शुक्रिया बाबा का जो हमें वो घर नहीं दिलाया। क्यों? कहता आज सुबह ही वो बिल्डिंग गिर गई जिसमें मैं फ्लैट लेना चाह रहा था। मैंने कहा अच्छा वही बिल्डिंग है, वो हम न्यूज में देख रहे हैं। बोला वही बिल्डिंग है, अगर बाबा मुझ नादान की सुनवाई उस वक्त कर लेता तो मैं और मेरा परिवार आज जीवित भी होता पता नहीं। अच्छा किया जो मेरी सुनवाई नहीं हुई, अच्छा किया, लाख लाख धन्यवाद ऊपर वाले का। और बोला बहन जी ये जीवन आज से उसकी देन है, उसने मेरी जिद नहीं मानी, जब तक जीऊंगा ना बहन जी ब्रह्मा कुमारी आश्रम तो नहीं जाना छोड़ूंगा। फिर मैंने भी, मुझे भी मौका मिल गया थोड़ा सा, तो मैंने बड़े प्यार से पूछा भैया एक बात पूछूं। बोला क्या? मैंने बाबा ने दम दिखा दिया अपना? तो बोला हाँ दिखा दिया। मैंने जैसा वैसा तो नहीं है? कहता नहीं, एक ही है बस, जैसा वैसा नहीं है, दम देख लिया ना बाबा का। तो कभी कभी अगर हमें ऐसा लगता है नहीं सुन रहा है,
सुनवाई नहीं हो रही है, इतना योग लगा लिया, इतना कुछ कर लिया। समझ जाइए कोई ना कोई राज है। संशय हो बुद्धि होने की बजाय राज को समझिए, वो कल्याणकारी है। कभी भी आ कल्याण, लाख सुनवाई कर लो नहीं सुनेगा जब तक कल्याण होने वाला नहीं होगा। और होगा जरूर, क्योंकि कैंसिल नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो आज अपने घर में एक व्हाइट पेपर पे बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिख के चिपका लेना, मेरी विजय डिले तो हो सकती है पर कैंसिल हरगिज नहीं। मेरी विजय सुनिश्चित है। क्या है? मेरी विजय सुनिश्चित है। वो डिले हो सकती है पर कैंसिल नहीं, क्योंकि मेरे सर पे किसका हाथ है? बाबा का हाथ है। ठीक है ना, बाबा का हाथ है मेरे सर पर। और कभी ऐसा लगे कि कर्म गति कुछ थोड़ी टाइट आ गई है, सामर्थ्य फेल हो रही है, अब झेलना मुश्किल हो रहा है, तो आज से एक बहुत सुंदर मेडिटेशन करेंगे। शायद मेरा टाइम पूरा हो गया, कहते कंटिन्यू करो अभी और 10 मिनट मिल गए मुझे नहीं तो बोला था 1 ही घंटा करना है बस। तो लगने लगे तो क्या करेंगे, 2 बहुत सुंदर मेडिटेशन की मैं आपको विधि बता के जाऊंगी, बहुत मनोरंजक है, बोरिंग नहीं है। और उससे क्या होगा, हमें एक मेंटल सपोर्ट मिलेगा बाबा की ओर से, एक स्थिरता मिलेगी, ऐसा लगेगा कोई है मेरे साथ, मुझे सपोर्ट कर रहा है। अभी आपने एक दिया जलाया बड़े प्यार से दिया, लेकिन जैसे ही दिया जलाया तो एक हवा का झोंका आया, और जैसे ही हवा का झोंका आया तो आपने क्या किया, नेचुरली क्या करते हैं बताएंगे सभी एक बार? अच्छा, दिया बुझेगा, हवा का झोंका आएगा तो तुम ऐसा कर लेना। ये किसने सिखाया, किसी ने सिखाया या अपने आप आ गया? कुछ चीजें ऐसी होती नेचुरल आती हैं, यह हमें कोई सिखाता नहीं है। यहां भी एक दीप जल रहा है, कौन सा दीप है? ये आत्मदीप है। अगर समस्याएं रूपी तूफान के झोंके से डगमगाने लगे तो अब क्या करो, इस दीप को यहां से निकाल के ले जाओ बाबा के सामने। अब क्लियर विजुअलाइज करो, ब्रह्मा बाबा को देखिए जो संपूर्ण अवस्था में है, साक्षात विष्णु रूप, फरिश्तों का बादशाह। उसके मस्तक में देखिए महाज्योति दिव्य जगमगाती हुई। इस संसार की सर्वोच्च महाशक्ति मेरे सामने, और मैं आत्मा दीप उसके सामने। और बाबा क्या कर रहे हैं, मुझ आत्मा की कैसे संभाल कर रही हैं? फील कीजिए कि बाबा ऐसे संभाल रहे हैं। अब चाहे हवा चक्रवात बन जाए, ये सागर सुनामी ले आए, चाहे ये धरती फट जाए, किसी की ताकत नहीं जो मेरी लो को छू भी सके। है किसी की ताकत, कीजिएगा। दूसरा, बाबा का हाथ सिर पर 5 बार रखवाने की आदत डालो। आने वाले समय में यह आदत बहुत काम आएगी। एक कहावत है, जिसके सर पे भगवान का हाथ होता है उसका कोई भी बाल बाका। इससे ये तो सिद्ध है इस कहावत से कि कभी तो भगवान ने हाथ रखा है, अगर हाथ ना रखता तो ये कहावत ना होती। और ये समय कब का है, केवल फोटो को देख के घूरो नहीं, देखिए ब्रह्मा भी है, जीता जागता चैतन्य, और एक जादुई ज्योति महाज्योति जिसको मैं नाम देती हूँ जादुई है, जो मुझे सुन सकता है, जो मुझे महसूस कर सकता है, स्पर्श कर सकता है, ऐसा ज्योति, जादुई ज्योति है वो। जब दोनों एक साथ आते हैं वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से, बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से सुनते हैं, महसूस करते हैं। वो है, वो फोटो ही नहीं है केवल, वो रियल में है, ये सच्चाई है। तो उस हाथ को केवल यहां ये नहीं कि बस हाथ रख दिया और हो गया, नहीं,
उस हाथ को फील कीजिए, भगवान का हाथ का स्पर्श, उसका टच कैसा होगा। महसूस कीजिए कि अगर भगवान हाथ रख दे वो टच कैसा होगा, ये मुझे फील करना है। और देखिएगा कि उसका लाइट का हाथ मेरे सिर पे आते ही तेजस्वी प्रकाश मुझ में भरने लगा और मुझ में भरकर मेरे चारों तरफ एक शक्तिशाली ओरा क्रिएट हो गया है प्रकाश का। अब ये ओरा मेरा सुरक्षा कवच, इसमें कोई भी बेड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, कोई भी विल सोल, किसी भी प्रकार की कोई भी बात एंटर नहीं हो सकती, पूरी तरह सुरक्षित हूं मैं। और फिर फील कीजिए कि बाबा के हाथ से मुझे कितना अपनापन मिल रहा है, जैसे मेरे जन्म जन्म की थकान उतर रही है, उस हाथ को फील करते हुए रखवाना है। और फिर उस हाथ का आप चमत्कार देखिए, चमत्कार होंगे जीवन में, मैं आपको गारंटी से बोल रही हूं, चमत्कार। कितनी बार रखवाएंगे? 5 बार, ठीक है ना। ये 2 मेडिटेशन की विधि, सुबह उठते हैं हमारे बच्चे अगर हमें नमस्ते करते तो हमारा ऑटोमेटिकली हाथ कहाँ जाता है? अब बाबा कौन है? केवल गाने के लिए तुम माता पिता हम बालक तेरे, या वो वास्तव में माता पिता है हमारा? फर्क इतना है कि यहाँ शरीरों के माता पिता हैं और वो, लेकिन माता पिता है, इसमें कोई डाउट नहीं। जैसे यहाँ के माता पिता के दिलों में अपने बच्चों के प्रति प्रेम भावना होती है ना, उससे कहीं जाता उसके दिल में है, उसका सीना भी माता पिता वाला है, उसकी भावना भी माता पिता वाली है। केवल मुझे वो फील करनी है नजदीकियां बनाकर। प्रॉब्लम क्या है कि दूरियां है, दूरियां हैं ज्यादा, वो दूरियां खत्म करके क्या करें? जैसे ही नजदीकियां बनेगी सब फील होने लगेगा, महसूस होने लगेगा कि ये ही मेरा है, अंदर से निकलेगा प्रभु प्रेम का रस, ऐसा लगेगा कि दीवाने हो जाएंगे। और फिर वो होगा, जिधर देखती हूं बस तू ही तू नजर आता है। तो ये 2 मेडिटेशन की विधि, नजदीकिया दिल से मेरा, बोझ सारे किसके साथ? पूरे निश्चय के साथ, राइट? ठीक है ना, एग्री है? तो ये आप करिए, आने वाले समय में बहुत 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 काम में आएगा। ऐसे तो टाइम हो गया, अगर परमिशन हो तो एक छोटी सी मनोहर दादी जी ने कहानी सुनाई थी, मैं शेयर करना चाहूंगी आपके साथ 2-3 मिनट में, चमत्कार मदद के, रियल अनुभव है, सच्चा अनुभव है। 2 बुजुर्ग युगल एक साथ रहते थे, ज्ञान में चलते थे, उनके कोई बच्चा नहीं था, लेकिन जो माता थी वो बहुत निश्चय बुद्धि थी, भाई थोड़ा कम था। माता ने शिव बाबा को अपना बच्चा बना लिया दिल से, केवल कहने मात्र नहीं। अगर कोई लौकिक अलौकिक वाला उससे पूछे ना, कोई भी, माता जी कितने बच्चे हैं आपको, तो वो ये नहीं कहती मेरे को कोई संतान नहीं है, बड़े गर्व से, बड़े प्राउड से बोलती थी, मेरा एक बेटा है, मेरा शिव बेटा, बड़ा ही आज्ञाकारी, बड़ा ही होनहार। दिल से प्रीत हुई, और जब दिल से प्रीत हुई तो ऊपर वाले ने रीत निभाना शुरू कर दिया, क्योंकि जहां दिल से प्रीत है वहां वो रीत ना निभाए ये हो नहीं सकता। अब उसको ऐसे अनुभव होने लगे कि बाबा उसका छोटा सा बच्चा बन के साड़ी खींच रहा है, उसके साथ साथ है, उसने अपने घर में एक बहुत प्यारा सा रूम बनाया बाबा का, उसको तीनों टाइम भोजन खिलाती, ऐसे नहीं। अब होता तो है, कई बार मैंने देखा, कईयों के घर में भी देखा, जगह देखा, बहन जी बाबा मेरा है, अच्छा घर में गए तो खूंटी पे लटका है, और वो भी टेढ़ा मेढ़ा लटका है, ठीक से वो है भी, कुछ इधर को लटका, ऊपर जाले लटक रहे हैं। माता जी भोग कब लगाया था? भोग तो नहीं लगाते, तुम तो सोतेली माँ से भी बुरा व्यवहार कर रहे हो बेचारे के साथ में, ऐसा करना चाहिए? करना चाहिए,
भले खूटी पे जगह दो या ना दो, पर जगह कहाँ दो? दिल में दो। भोजन बनाने से पहले बाबा को ऑफर करो, प्यार से ऑफर करो। और ऐसे नहीं कि लो दाल भरा, चावल भरा, उसी में सब कुछ भरा और पटक दिया खा ले। नहीं, जैसे हम छोटे बेबी को खिलाते ना, 5 मिनट बैठिए, प्यार से ऑफर कीजिए, शुक्रिया दीजिए, इस तरह से। तो माता बहुत ही दिल से बाबा को मानती थी और बाबा उसको अनुभव कराता था, प्रीत की रीत निभाता था। एक बार क्या हुआ, माता को मधुबन आना था। उसने अपने युगल से कहा मुझे आबू जाना है, युगल ने मना कर दी, नहीं नहीं मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं, बाद में जाना। कहते अरे मैं आपको अकेला छोड़ के थोड़ा ही जा रही हूँ, अपने शिव बेटा को आपकी सेवा में छोड़ के जाऊंगी। कहता नहीं नहीं तुम बाद में जाना। लेकिन माता को अपने से ज्यादा भरोसा था अपने शिव बेटा पर, और उसके भरोसे वो अपने युगल को छोड़ के आबू के लिए चल दी। 6-7 घंटे चली थी, उस समय फोन वोन तो नहीं होते थे। उसके युगल को जोरदार वाला अटैक आया, हार्ट अटैक। युगल घर में अकेला था क्या? हाँ या ना? अब देखिए क्या होता है जब हम प्रभु अर्पित करते हैं तो क्या होता है। इसे इत्तेफाक कहो, चमत्कार कहो, प्रभु मदद कहो, कुछ भी कह सकते हो, डेली साइड की बात है। एक इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी किसी हॉस्पिटल में, और एक अमेरिका के NRI डॉक्टर को बड़ी रिक्वेस्टली इनवाइट किया गया था चीफ गेस्ट के लिए। बड़ा ही सुप्रसिद्ध डॉक्टर, विश्व का फेमस डॉक्टर था वो। बड़ी रिक्वेस्ट के बाद इंडिया आ रहा था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का चीफ गेस्ट बन करके। कार से जा रहा था सड़क पर, जाते जाते दूर से उसकी एक गली पर नजर पड़ी। अरे यहाँ तो मेरा बचपन बीता है, यहाँ तो मैंने खेला कूदा है, पढ़ा लिखा है। उसको अपनी बचपन याद आ गई। जैसे ही गाड़ी गली के पास गई, अचानक उसके मुख से निकला गाड़ी मोड़ो इधर, जाना था हॉस्पिटल और क्या किया इधर मोड़ो, स्टीयरिंग मुड़ गया। किसने मुड़वाया? पूरे 2 मिनट के अंदर माता के युगल के घर के सामने गाड़ी रुकी और विश्व का प्रसिद्ध डॉक्टर अपने पांव से चल के माता के घर में गया, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड माता का युगल था। उसके घर गया वो, और जब उसने जाकर के देखा कि यहां तो ये ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ है, तो उसने प्राइमरी स्टेज पर उसको पंपिंग वंपिंग किया, लैंडलाइन से फोन किया, लैंडलाइन होता था उस टाइम पर। तो अचानक वहां पर 15 मिनट के अंदर अंदर आप सोचिए सूरज भाई आ गए हैं, आप उनका स्वागत कीजिए। एक जरूरी सूचना है, मैं उस हॉस्पिटल में फोन किया जहाँ कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी, तो वहां से एक लग्जरी एम्बुलेंस जो किसी CM VM के लिए आती है ना, वो एम्बुलेंस, और उसमें कम से कम 8-10 अच्छे अच्छे डॉक्टर उसके माता के घर के सामने आए, एक के बाद एक अच्छे अच्छे डॉक्टर जिनके अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, खुद भाग भाग के माता के घर जा रहे हैं। प्राइमरी स्टेज पर ट्रीटमेंट हुई, फिर उनको ICU वाली एम्बुलेंस में रखा, हॉस्पिटल लाए, बड़ी शाही ट्रीटमेंट हुई उनकी, जो VIP ट्रीटमेंट होती है। 5-6 दिन में वो ठीक हो गए। अब जो उनके फ्रेंड थे डॉक्टर, 2 नर्सों को साथ में देकर घर में भेज दिया केयर के लिए, और इधर माता का काम पूरा हो गया बाबा से मिलने का। दोनों के घर आने का दिन एक ही था, भाई पहले आ गए, माता थोड़ी देर बाद आई, लेकिन माता को थोड़ा थोड़ा ऐसे हो रहा था कि सब ठीक होना चाहिए। जैसे ही दरवाजे पर आई तो उसने 2 नर्सों को खड़ा हुआ देखा, युगल धूप सेक रहे हैं आंगन में। बेचारी दबे पांव से गई और बोला सब ठीक है। तो पहले तो युगल ने माता को जोरदार वाला सैल्यूट किया और फिर कहा, उसका गला भर आया था, उसने बड़े प्यार से कहा, मान गया मैं तेरे शिव बेटा को, मान गया। और लास्ट में बोला, बड़े ही भावुक कर देने वाले शब्द बोले कि सुन, आज मैं तुझे रियलिटी बताता हूं, अगर मेरी खुद का खून तेरी कोख से जन्मा, हमारी खुद की औलाद भी होती ना, तो वो इतनी केयर नहीं कर सकता था जितनी केयर तेरे शिव बेटा ने की, खूब निभाई। और लास्ट फाइनल बात कही कि आज से ये केवल तेरा ही बेटा नहीं, आज से ये मेरा भी बेटा है, तेरे बेटे ने तो मुझे ऋणी बना दिया।
आ गए ना आंसू आंख में, मेरे भी आए थे जब मैंने सुनी थी ये कहानी पहली बार। तो जहां दिल से रिश्ता होता है, जहां दिल की प्रीत होती है, वहां बाबा रीत निभाते हैं। ओम शांति, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।